चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। यह कहानी है भ्रष्टाचार के खिलाफ की, जब एक शिकायतकर्ता पंचायत स्तरीय सचिव की पोल खोलता नजर आ रहा है। दरअसल रुख करते हैं शहडोल जिले के ब्योहारी अंतर्गत ग्राम पंचायत भमराहा की ओर। यहां शासकीय संबल योजना सत्यापन के लिए प्रभारी सचिव राम सुहावन पटेल द्वारा राशि की मांग की गई तो योजना लाभार्थी ने साहस कर इसे उजागर कर दिया। वह शिकायत लेकर उच्च कार्यालय जा पहुंचा। शिकायतकर्ता भागवत सेन पिता राम प्रेम सेन निवासी ग्राम भमराहा प्रथम के द्वारा रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि सचिव द्वारा संबल कार्ड का सत्यापन करने के लिए रकम मांगी जा रही है। भागवत सेन द्वारा बताया गया कि कुछ महीनों पूर्व पंचायत सचिव राम सुहावन पटेल द्वारा हमारे संबल का सत्यापन करने के लिए 5,000 की मांग की गई थी। मेरे द्वारा 1,000 रुपए दिया जा चुका है, लेकिन सचिव द्वारा आज तक सत्यापन नहीं किया गया। प्रसूता सहायता राशि प्राप्त करने के लिए सिविल अस्पताल में संबल कार्ड जमा करने की बात बताई जा रही थी। संबल कार्ड जमा न होने पर उक्त प्रसूति सहायता योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। शिकायतकर्ता ने जनपद पंचायत ब्योहारी में आवेदन कर कार्यवाही की मांग की है। एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि जनपद पंचायत ब्योहारी में इस कदर भर्रेशाही का आलम मचा हुआ है। शिकायतकर्ता अपना आवेदन लेकर जनपद पंचायत दफ्तर पहुंचा तो उससे शिकायत पत्र लेने से मना कर दिया जाता है। शिकायतकर्ता जनपद पंचायत के कर्मचारियों से आहत होकर भारतीय डाक ब्योहारी से उसे अपना आवेदन पत्र देना पड़ा। शिकायतकर्ता से सीधी बात हमारे प्रतिनिधि विनय द्विवेदी ने की है। मेरा पंजीयन हुआ था, लेकिन पंजीयन ब्लॉक करके रखा था, तो निकालने के लिए 1,000 रुपये मेरे से लिया। उसमें भी मेरा काम नहीं हुआ, आधा काम करके दिया है, सत्यापन भी नहीं किया है। सत्यापन के लिए 1,000 रुपये और मांग रहा है। काहे का सत्यापन है? संबल कार्ड का। संबल कार्ड का, तो संबल कार्ड क्या अभी नया बना है कि पुराना बना था? 2018 का बना था जी। उसका सत्यापन नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। तो कौन मांग रहा है पैसा? सचिव राम सुहावन पटेल। कौन से ग्राम पंचायत से हैं आप? इसकी शिकायत आपने कहीं की? जी हाँ, कलेक्टर कमिश्नर के। क्या हुआ वहाँ? वहाँ जमा करके सीडी बनवाए थी, सीडी जमा करके आ गए हम लोग, रसीद दिए हैं, वहाँ कार्रवाई नहीं की गई है। तो सत्यापन क्यों नहीं कर रहा है वो? वो फिर से पैसे के लालच कर रहा है, पैसा देने के लिए। कितनी राशि मांग रहा है? 1,000 रुपये। अभी आप कितनी राशि उनको दे चुके हैं? 1,000 रुपये दे चुके हैं। 1,000 रुपये दे चुके हैं हाँ। सत्यापन के लिए? सत्यापन के लिए। और अभी से वो संबल कार्ड निकालने के लिए वो लॉक करके रखा था, मेरा पंजीयन हुआ था, लेकिन वो लॉक करके रखा था मेरा। सत्यापन के नाम से पैसा मांग रहा है? हाँ, सत्यापन के नाम से पैसा मांग रहा है। 1,000 पहले ही ले लिया पंजीयन का, वो निकलवाई संबल कार्ड निकलवाया। अच्छा, संबल कार्ड की उपयोगिता आपकी क्या है? सत्यापन के लिए आप परेशान हैं, उसकी उपयोगिता क्या है? प्रसूति मिलती है जो अस्पताल से, जननी डिलीवरी वाली प्रसूति सहायता राशि जी हाँ। अच्छा, उसमें 16,000 मिलने वाला है, तो बोला कि तो आपको 16,000 मिलेगा तो मेरे को 5,000 रुपये चाहिए। मैं 5,000 नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए मेरा काम अटका के रखा है। कौन मांगा है 5,000? सचिव सेक्रेटरी राम सुहावन। राम सुहावन जी हाँ। फिर हम एक महीना तक रहेंगे, एक महीने के बाद बोला होगा 1,000 रुपये लाओ, तो मैं आपका पंजीयन निकाल के दे रहा हूँ। फिर मैं 1,000 दिया, इसका वीडियो भी बनाया, फिर वो पंजीयन निकाल के दिया, उसमें भी आधा काम किया, सत्यापन नहीं किया है। आप चाहते क्या हैं? मेरे को ये चाहते हैं कि इसका कार्रवाई किया जाए, जो मेरा 1,000 पहले लिया है अभी सत्यापन नहीं कर रहा, अब मेरा काम